चंद्रशेखर रावण का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन लोगों ने जितने भी कोऑर्डिनेटर बनाए, कोऑर्डिनेटरों ने धंधा कराया पैसे लेने का। बहन जी को आज की डेट में जब चार बारी बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी, आज की डेट में धन की जरूरत बहन जी को नहीं है। ये निचले जिला अध्यक्ष हुआ, चाहे यहाँ जिले का जिला अध्यक्ष जिनेश्वर प्रसाद हुआ, इन्होंने फिलहाल अभी चुनाव हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर पैसा इकट्ठा करा। रामपुर में नियारान हुआ या छुटमलपुर हुआ या मंगलोर हुआ या सरसा हुआ, इन्होंने सभासदों को पैसे ले लेकर चुनाव लड़ा। क्या वो बहन जी तक पैसे गए? लेकिन दलितों के मामले में इन्होंने जो जितने भी यहाँ आए पश्चिम में लगे, चाहे वो नईन साहब है चाहे यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, लूट बहन जी तो मांगे कि भाई 50,000 रुपए चंदे के लेकर आने, ये रखेंगे उसके सामने 1 करोड़ की च्वाइस, फिर इन आपस में यहाँ बंदर बांट होती है। जिला अध्यक्ष लगाकर सेक्टर अध्यक्ष, जितने नेता है, जोन कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब एक चैन में बंधे हुए, एक चैन में बंधे हमते लगाकर पूरी यूपी में। पैसा इतना जाता है बहन जी, पर तो सिर्फ पैसा इतना ही जाता है जिससे की पार्टी चल रही है, जाता है जाता है। लेकिन बहन जी मान लिया चंदा नहीं मिलेगा, बहन जी को चुनाव कैसे लड़ेगी? मान लिया हेलीकॉप्टर में बहन जी को आना है, बहन जी कहाँ से लेकर आओगे? हम भी तो मजदूर आदमी, पैसे देंगे बहन जी को? डरने लग रहा कैमरे बोलते हुए, मैंने डर लग रहा है ना, तो कहें मैं डर रहा, मैं भी तो मारू, मैं कोई डर रहा अंत क्यों डर अंत जी? हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे तो 5 लाख रुपए मांगे जाएंगे, अकबर जिला पंचायत का जब टिकट मिला। मांगे गए आप? हाँ मांगे गए मेरे पास 2009 में। राजेश लाखनौ जी, राजेश जी, जी जी सर, क्या लग रहा कुछ जनता नाराज है बहन जी से, कुछ रावण से भी नाराज है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी तो जो है नाराज है 25 से 30 साल की एज का, 25 से 30 साल की एज का। हाँ जी, और बहन जी के साथ में 50 और 60 साल की एज का बहन जी के साथ में जो दलित है प्योर बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 55 है। 55 है जी, लेकिन मैं चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर के साथ है। आप तो उल्टा चले गए। उल्टे का कई कारण है ना, क्योंकि वहाँ जो युवा है, युवाओं की जो ताकत है वो आज की डेट में चंद्रशेखर भाई है, बाकी और तो कोई नजर आ ही नहीं रहा, पूरे देश के अंदर वही है चंद्रशेखर। कुछ आरोप भी लग रहे हैं, गाँव के व्यक्ति कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण हो चाहे बहन जी हो, सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, भाजपा के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये सब देश के अंदर जब संविधान ही नहीं रहेगा वो किसके लिए काम करेंगे? फिर तो राजशाही होगा यहाँ से। जब संसद के अंदर वो बाबा साहब की प्रतिमा को फोटो नहीं लगा रहे हैं, संविधान को नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे देश थोड़ा ही चल जाएगा। मान लिया 27 संगठन ही आज की डेट में इकट्ठा हो गए। क्यों हो गए सब इकट्ठा? इसी वजह से हो गए कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं प्रधान जी, क्योंकि उसमें जनता का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आरक्षण के आधार पर ना कोई नौकरी है ना कोई वजीफा है, बच्चों को जो जैसा एग्जाम देते थे रेलवे के अंदर वो भी कोई भी टिकट नहीं फ्री मिलता है, क्योंकि सभी बच्चों को दिक्कत है। 4 साल की आर्मी कर दी भाई, 4 साल में तो आर्मी में आदमी चले जाता है, कुछ भी नहीं पता लग पाता, ये भी नहीं पता लग पाता 4 साल में सीमा कौन सी है, दक्षिण की है, पश्चिम की है, उत्तर की है, उसमें क्या कर लगी आर्मी? आर्मी के 4 साल बाद रिटायर कर दिया, रिटायर होने के बाद में कहाँ जाएगा? अरे उनको सेवा देने का मौका मिलेगा 4 साल के बाद, वरीयता दी जाएगी उन लोगों? नहीं, वरीयता जो है पुराने हैं, नहीं पेंशन मिल रही बेचारे, वही वहां पड़े दिल्ली के अंदर। कह दिया कि सिर्फ हम अकेले चुनाव में लड़ेंगे और गठबंधन में नहीं आएंगे किसी के साथ। नहीं बहन जी तो जीरो पर आउट होंगी, एक जीरो पर आउट, एक भी मुसलमान वोट नहीं दे रहा आज की डेट में। समीकरण है उनका तो दलित प्लस मुस्लिम। ना मुस्लिम तो सारा टोटल गठबंधन पर चलेगा, पूरे देश का चलेगा, पूरे देश का गठबंधन पर मुस्लिम चलेगा। हम कल मुसलमानों के गांव में कम से कम 8-10 में घूमे, उन्होंने कहा भाई इस बार तो हम गठबंधन को वोट देंगे, हमें तो देश का संविधान बचाना है। चंद्रशेखर का कारण यह है कि बहन जी होगी बुजुर्ग, बहन जी के पास में वो ताकत वो रुतबा नहीं रहा जो निकल के बहन जी सड़कों पर आकर लड़े। चंद्रशेखर के पास वो रुतबा है, वो उम्र है, एक उम्र का एक हौसला होता है। बहन जी की रिटायरमेंट ले लेना, बहन जी रिटायरमेंट हो चुके हैं, खुद ही रिटायरमेंट हो चुके हैं, बहन जी के पास काम नहीं है इस समय, क्योंकि बहन जी को तो कोई भी आदमी आज की डेट में ये नहीं चाह रहा कि बहन जी काम करे, क्योंकि बहन जी ने मान लिया आनंद जी को वहां बना दिया, प्रभारी बना दिया उन्हें, बहन जी ने उनके आत्मा कमान दे दी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक बात का आ गया कि वो तो ये कह रहा कि मैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर को नहीं जानता। भाई जो आदमी इतनी बड़ी पार्टी, ये भी कहते हैं कि आनंद को नहीं जानते, उनके भतीजे को नहीं जानते, तो ये तो बात दोनों के पक्ष में आकर खड़ी होगी दोनों के। लेकिन इन्हें दोनों को कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना पड़ेगा, बहन जी को भी, कि भाई दोनों को इन्हें इकट्ठा करे जा, दलित प्लस ये दोनों कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो पूरे देश के अंदर काम कर रहा है चंद्रशेखर, ये कहाँ काम कर रहे हैं कि भाई संविधान जरूरी है। आज की डेट में तो जो 26-27 संगठन इकट्ठा हुए, पूरा देश ही इनके साथ चला गया। ये भी गठबंधन हुए थे चाचा, उस वाले गठबंधन को बोल जाओ आप, क्योंकि उस टाइम नहीं पाए मोदी लहर के, अजी मोदी लहर के सामने वो एक अलग मैटर है, उस समय बताओगा अगर इन्हें वोट नहीं डालने दी तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा।
अगर इन्हें वोट डालने दिया तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बार ही मान लिया मोदी जी नहीं, ऐलान कर दिया लाल किले से तीसरी बार आ रहे हैं, हैट्रिक लगने जा रही है। तीसरी बार तो वहां पर राहुल गांधी जी झंडा परचम लहरा होंगे। रही बात बहन जी की, बहन जी आदरणीय है, बड़ी बहन जी है, लेकिन बहन जी से क्योंकि जितने चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने जितने भी कोऑर्डिनेटर बनाए, कोऑर्डिनेटरों ने धंधा कराया पैसे लेने का। बहन जी ने पर हमेशा आरोप लगते हैं कि ठगों का दल है। इमरान मसूद साहब ने भरे मंच से कहा, आपने काजी परिवार इकट्ठा हुआ, 5 करोड़ की बातें हुई, कुछ पर्चियों की बातें हुई, तो क्या ये आरोप लगते सही आपकी नजर? नहीं, एक बात तो सुनो ना, बहन जी को आज की डेट में जब 4 बारी बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी, आज की डेट में धन की जरूरत बहन जी को नहीं है। ये निचले जिला अध्यक्ष हुआ, चाहे यहाँ जिले का जिला अध्यक्ष जिनेश्वर प्रसाद या, इन्होंने फिलहाल अभी चुनाव हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर पैसा इकट्ठा करा। भाई पार्षदों तो इन्होंने पैसा इकट्ठा क्यों करा, क्यों करा भाई? रामपुर में नियारान हुआ या छुटमलपुर हुआ या मंगलोर हुआ या सरसा आया, इन्होंने सभासदों को पैसे ले लेकर चुनाव लड़ा। क्या वो बहन जी तक पैसे गए? नहीं, तो बोलते कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाइयां लड़ते हैं हम। बहन जी वंचितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बहन जी ने जो कुछ कर दिया देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, वो लीडर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन दलितों के मामले में इन्होंने जो जितने भी यहाँ आए, पश्चिम में लगे, चाहे वो नईन साहब है, चाहे यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, लूट। बहन जी तो मांगेगा कि भाई 50,000 रुपए चंदे के लेकर आने, ये रखेंगे उसके सामने 1 करोड़ की च्वाइस, फिर इनमें आपस में यहाँ बंदर बांट होती है। जिला अध्यक्ष लगाकर सेक्टर अध्यक्ष, जितने नेता है, जोन कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब एक चैन में बंधे हुए, एक चैन में बंधे हमते लगाकर पूरी यूपी में। एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन लेती है, फिर दूसरे को हटाता है, तीसरे को देता है, तीसरे को, इसे नोटों का थैला और भारी आ जाता है। ना ना ना, बहन जी नहीं, पैसा इतना जाता है बहन जी, तो सिर्फ पैसा इतना ही जाता है जिससे की पार्टी चल रही है, जाता है जाता है। लेकिन बहन जी मान लिया चंदा नहीं मिलेगा, बहन जी को चुनाव कैसे लड़ेगी? मान लिया हेलीकॉप्टर में बहन जी को आना है, बहन जी कहाँ से लेकर आओगे? हम भी तो मजदूर आदमी, पैसे देंगे बहन जी को कि बहन जी ये लो। मान लिया हेलीकॉप्टर तो एक यहाँ आने में कितने लग जाएंगे? 10 लाख रुपए। अरे यहाँ एक विधायक तक चले गए 50 करोड़ रुपए। यही कारण दलित समाज अब जो है बहन जी से किनारा करता जा रहा है। नहीं, बहन जी का ये सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि इन्होंने जितने कोऑर्डिनेटर है, जितने प्रदेश के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, ये पैसा लूटते हैं, कसाई वाला काम करते हैं या लूटने का। डरने लग रहा कैमरे बोलते हुए? मैंने डर लग रहा है ना, तो कहे मैं डर रहा, मैं भी तो क्षमा हूँ, मैं कोई डर रहा अंत क्यों डर अंत है? जब हम चुनाव लड़ेंगे हमारे तो 5 लाख रुपए मांगे जाएंगे। अब जिला पंचायत का जब टिकट मिला, मांगे गए आप? हाँ मांगे गए मेरे पे 2009 में। कहने लगी दो पैसे दो भाई, बताओ कहाँ है पैसे? मैं कहा मेरे पे पैसे नहीं जी, मैं आज तक पार्टी में काम कर रहा, अरे हमेशा तो पार्टी में काम कर रहा, मैं पैसे कहाँ से ले गाऊँ? चुनाव प्रचार में लगाऊंगा पैसे, आता मैं दो भाई यहाँ चंद्र के कारण चंद्रशेखर रावण का हाथ थमा। हाँ इसी वजह से चंद्रशेखर के साथ है, चंद्रशेखर भाई साहब के साथ ही रहेंगे, प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। रावण पर भी आरोप लग रहे हैं कि बी टीम है भाजपा। बी टीम कुछ नहीं है भाजपा की। बी टीम का क्या मतलब है? भाजपा की कोई बी टीम नहीं है भाजपा की। चंद्रशेखर रावण तो भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई देश के संविधान को बचाओ।